क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, रियल लाइफ में रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिश्ते, जैसे सिस्टर और ब्रदर का रिश्ता। ये भी एक रिलेशन है, सन और डॉटर। ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। बट मैथ में कैसे लिखते हैं हम इसको, रिलेशन को? 2 less than 7 ये भी एक रिलेशन है, 5 greater than 1 ये भी एक रिलेशन है। हमेशा रिलेशन किस में लिखे जाते हैं, पेयर्स में लिखे जाते हैं। रिलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, जिसको हम लिखते कैसे हैं, a, b सच डेट a, b बिलोंग कर रहा है किसी सेट A में, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई सेट A है और ये भी हमारा सेट A है, ठीक है। यानी कि रिलेशन A से A में हो रहा है। रिलेशन कैसे हो रहा हमारा, A से A में, ठीक है। तो A का हमने ले लिया 1 or 2 elements, इधर भी 1 or 2 elements। तो ये एक बार इसके साथ पेयर बनाएगा, एक बार ये इसके साथ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं रिलेशन को, R = 1, 1, 1, 2, ठीक है। अब हम इस 2 को लेंगे तो लेंगे 2 को 1 के साथ पेयर, एक बार 2 की 2 के साथ पेयर। हम इस तरह यहां लिख देंगे 2, 1 और 2, 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, a×b से, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई हमने सेट ले लिया a, उसकी वैल्यू है 1 और 2, और b ले लिया हमने जिसकी वैल्यू है a और b, ठीक है। तो a×b निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1, a, 1, b, 2, a, 2, b, ठीक है। जो ये a×b है इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a और b, ठीक है। अब इस ये जो इस मेथड से बता रखा है, इससे हम बताएं तो हमें इसमें बोल रखा है कि कोई सेट A है जिसको 2 कलर है, एक है रेड और एक ब्लू, और B है उसके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें है BCS। BCS जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, बैग को, कोट को, शर्ट को। यानी कि जो रेड ब्लू है वो कलर किन के, इन तीनों के, ठीक है। तो हम ग्राफ में जैसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं रेड और इधर ब्लू, और इस साइड हमने लिख दिए बी की वैल्यू। तो जो पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये क्या है, पेयर्स है। तो पहला ये रेड बी, यानी कि रेड और बी, ये वाला पेयर, रेड सी ये वाला पॉइंट, रेड एस ये वाला पॉइंट, ब्लू बी ये वाला पॉइंट, और ब्लू सी ये वाला पॉइंट, ब्लू एस ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 16 ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ए है उसकी मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ बी के साथ कर रहे हैं, तो किसके बराबर आते हैं, नंबर ऑफ a×b, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसी के ले लो, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, में 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर ऑफ ए। बी के कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो हमने 3 लिख दिया, तो कितने हैं, 6, और यहां पर भी कितने हैं, 6, तो ये इक्वल हो गए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पर चलते, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि हमें वैल्यू दे दी x+1, y-2 किसके बराबर है, 3, 1 के। अब हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम एक दूसरे को, इक्वल एल इसको, इक्वल के LHS और RHS को। तो x+1 वो किसके बराबर आएगा, 3 के, और दूसरा क्या आएगा इधर, y-2 किसके बराबर आएगा, 1 के।
वन को इधर ले जाएंगे इक्वल की इस तरफ, तो माइनस में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आई टू। इधर भी ऐसे करेंगे वाई टू को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का टू, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी थ्री। ठीक है, ये बार हो गया पहला एग्जाम्पल। और हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दे दी P की वैल्यू है A B C, क्या हो दे दिया हमें R, तो हमें पहले क्या निकालना है P क्रॉस Q, फिर हमें निकालना है Q क्रॉस P, और हमें बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो हम P क्रॉस Q निकालेंगे, P क्रॉस Q निकालेंगे, हम यहाँ पर पहले P लिख लेते हैं और इस साइड लिख लेते हैं हम Q। P की वैल्यू क्या हमारे पास A B और C, Q की वैल्यू क्या हमारे पास R, एक बार A R के साथ पेयर बनाएगा तो मैं लिख देंगे ए आर के साथ पेयर बना रहा है, फिर ये बी आर के साथ पेयर बनाएगा तो ये भी लिख देते हैं बी आर के साथ पेयर बना रहा है, फिर ये सी आर के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, क्या वो क्रॉस पी भी पूछा गया है तो ये भी निकालेंगे, क्या वो क्रॉस पी, जब P क्रॉस क्या पूछा था तो हमने P इधर लिखा था, क्या इधर, अब पूछा क्या क्रॉस P, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे और इधर क्या कर देंगे P, क्या की वैल्यू क्या हमारी R, P की वैल्यू क्या है A B और C, तो R एक बार A के साथ पेयर बनाएगा, एक बार B के साथ, एक बार C के साथ, तो हम लिख देंगे इधर R कोमा A, R कोमा B, R कोमा सी। ठीक है, अब हमें पूछा गया है आगे क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है ए कोमा आर और इधर आर कोमा ए, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते इक्वल, ए कोमा आर इक्वल नहीं है किसके, आर कोमा ए के। इसी तरीके से ये अगला देखेंगे पी बी कोमा आर, बी कोमा आर के आर कोमा बी के इक्वल है, ये भी नहीं है। C कोमा R के R कोमा C के इक्वल है, ये भी नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो P क्रॉस Q है वो Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जांपल टू। अब हम आते हैं एग्जांपल थर्ड में। हमें दे दिया कि एलिमेंट्स लेट कर दिया कि ए है वो 1 2 3 है, बी सेट है वो है 3 4 और सी के पावर 4 5 और 6 एलिमेंट है। हमें फाइंड करना है, पहला पॉइंट है ए क्रॉस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हम पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, हम पहले बी की वैल्यू लिख देंगे 3 4 इंटरसेक्शन सी 4 5 6। अब हम जानते हैं इंटरसेक्शन किसी दो सेट के बीच में करते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, हम लिख देंगे यहाँ पर 4, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसकी ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 4, इधर देखो ए की वैल्यू इधर लिख देंगे 1 2 3 इधर बी इंटरसेक्शन सी की, एक बार 1 की 4 के साथ पेयर, एक बार 2 की 4 के साथ, एक बार 3 की 4 के साथ, हम लिखेंगे यहां पर 1 4 2 4 3 4 ठीक है, कि हमारे पास वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जिसका आंसर है। ठीक है, और हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके हम इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है, ए क्रॉस बी निकालना है
और एक रोज सी, फिर उन दोनों को क्या करना है, इंटर करना है। तो पहले हम एक रोज भी निकालेंगे, एक रोज भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ही वैल्यू लिखे, वन टू थ्री क्रॉस बी की वैल्यू 3.4, ठीक है। इधर लिख लो ए, इधर लिख लो बी, 3, 4, 1, 2, 3। तो एक बार 1 के 3 के साथ पेयर, एक बार 1 का 4 के साथ पेयर, तो लिख देंगे इधर 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर। अब हम इसी तरीके से 2 का कर देंगे, 2 का 3 के साथ पेयर, एक बार 2 का 4 के साथ पेयर। तो मैं लिख देंगे 2, 3 2, 4। अब हम इसी तरह 3 का पेयर बनाएंगे के साथ, 3 का एक बार 3 के साथ, एक बार 3 का 4 के साथ, 3, 3, 3, 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक रोज सी, तो ये भी निकालेंगे एक रोज सी, इसी तरीके से निकालेंगे एक रोज सी निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सी की वैल्यू लिख देते हैं, सी की वैल्यू क्या है, 4, 5, 6। 1 का एक बार 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, एक बार 1 का 6 के साथ है। तो 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरीके अब 2 के साथ करेंगे इनके पेयर, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब हम इन 3 का करेंगे 4 के साथ, एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ, तो आ जाएगा 3, 4, 3, 5, 3, 6। अब हमें क्या करना है इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स, मैं लिख देंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस सी, ठीक है। कॉमन पॉइंट देखिए यहां पर 1, 3 दे रखा है, लेकिन यहां पर नहीं दे रखा, यहां 1, 4 है, इधर भी 1, 4, तो इसका पहला एलिमेंट क्या हो गया 1, 4, यहाँ 2, 3 है, बट इस वाले में ए क्रॉस सी में नहीं है, ए क्रॉस बी में 2, 4 है और ए क्रॉस सी में इधर है 2, 4, तो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया 2, 4। ए क्रॉस बी में 3, 3 दे रखा है, बट ए क्रॉस सी में कहीं भी नहीं है, ए क्रॉस बी में 3, 4 है और ए क्रॉस सी में यहाँ पर है 3, 4, इसका थर्ड एलिमेंट हो गया 3, 4, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, इसी तरह थर्ड पार्ट है, पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी यानी कि सारे के सारे एलिमेंट बी के और सी के इंक्लूड होंगे, 4, 5, 6, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट देखते हैं, बी का पहला एलिमेंट क्या है 3, दूसरा 4, सी में 4 है, तो 4 हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा इसलिए नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट है 5 फिर 6, ये क्या आ गया बी यूनियन सी। अब हम इसकी ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्या है हमारा 1, 2, 3 और ये क्या हमारे पास बी यूनियन सी 3, 4, 5, 6। एक बार 1 का 3 के साथ पेयर, एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ पेयर, तो हम लिखेंगे इधर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ पेयर। अब इसी तरह हम 2 का लिख देंगे इन सबके साथ, तो लिखेंगे 2 का 3 के साथ पेयर, 2
टू का फोर के साथ पेयर, टू का फाइव के साथ पेयर, टू का सिक्स के साथ पेयर, इसी तरीके से हम थ्री का इन तीनों इन चारों के साथ पेयर बनाएंगे, तो थ्री का थ्री के साथ पेयर, थ्री का फोर के साथ पेयर, थ्री का फाइव के साथ पेयर, थ्री का सिक्स के साथ पेयर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, हमें पहले निकालना है ए क्रॉस बी, फिर हमें निकालना है ए क्रॉस सी और उन दोनों का यूनियन। हम करेंगे यहां पर ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम पहले यहां पर ए की वैल्यू लिख लेंगे और इधर हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू वन टू थ्री और बी की वैल्यू थ्री और फोर। एक बार वन का थ्री के साथ पेयर, एक बार फोर के साथ पेयर। तो लिखेंगे वन कोमा थ्री, वन कोमा फोर। एक बार अब क्या करेंगे, हम टू का पेयर बनाएंगे थ्री के साथ, फिर हम बनाएंगे टू का पेयर फोर के साथ। तो टू कोमा थ्री, टू कोमा फोर, इसी तरीके से हम थ्री का पेयर बनाएंगे थ्री के साथ, फिर बनाएंगे हम फोर के साथ। तो हम लिख देते थ्री का पेयर थ्री के साथ, थ्री का पेयर फोर के साथ, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ए क्रॉस बी की। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ए क्रॉस सी की निकालेंगे। तो यहां पर बी की जगह हम सी लिख देते हैं। सी की वैल्यू क्या है, फोर फाइव सिक्स। तो हम एक बार वन का पेयर फोर के साथ, वन का पेयर फाइव के साथ, वन का पेयर सिक्स के साथ बनाएंगे। लिखेंगे वन कोमा फोर, वन कोमा फाइव, वन कोमा सिक्स। इसी तरीके से हम टू का बनाएंगे फिर फोर के साथ, फिर फाइव के साथ, फिर सिक्स के साथ। तो यहां लिखते हैं टू कोमा फोर, टू कोमा फाइव, टू कोमा सिक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम थ्री का पेयर बनाएंगे थ्री कोमा फोर, थ्री कोमा फाइव और थ्री कोमा सिक्स। थ्री कोमा फोर, थ्री कोमा फाइव, थ्री कोमा सिक्स, ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, हमारे ए क्रॉस सी के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूनियन। यूनियन का मतलब क्या क्या होता है कि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स। तो हम यहां लिख देते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखो यहां पर ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट क्या है, यहां पर वन कोमा थ्री, तो ये लिख देते हैं। सेकंड वन कोमा फोर, थर्ड टू कोमा थ्री, टू कोमा फोर, थ्री कोमा थ्री, फोर थ्री कोमा फोर। अब यहां पर देखो, यहां पर वन कोमा फोर इधर भी है और हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे वन कोमा फाइव है, यहां लिख देंगे वन कोमा फाइव, वन कोमा सिक्स, टू कोमा फोर यहां पर है, हम पहले भी यहां पर लिख चुके हैं, तो इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे हम टू कोमा फाइव, टू कोमा सिक्स, यहां पर भी थ्री कोमा फोर है और हम पहले भी लिख चुके हैं यहां थ्री कोमा फोर, तो इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। थ्री कोमा फाइव, थ्री कोमा सिक्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि पी की वैल्यू है वन कोमा टू। हमें क्या करना है, पी का तीन बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले दो बार करते हैं फिर तीन बार करेंगे, तो पी क्रॉस पी करेंगे, यानी कि पी की वैल्यू वन कोमा टू
ठीक है, यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, ये भी p है और ये भी p है, दोनों की वैल्यू क्या है, वन और टू। ये वन एक बार वन के साथ पेयर बनाएगा, एक बार ये वन इस टू के साथ पेयर बनाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वन कोमा वन, वन कोमा टू। फिर ये टू इस वन के साथ पेयर बनाएगा और फिर ये टू इस टू के साथ पेयर बनाएगा, हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर टू कोमा वन, टू कोमा टू। ठीक है, ये हमारे पास है पी क्रॉस पी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, पी क्रॉस पी क्रॉस पी, यानी कि तीन बार पी क्रॉस करना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, वन कोमा टू, और पी क्रॉस पी की वैल्यू वन कोमा वन, वन कोमा टू, टू कोमा वन, टू कोमा टू। तो एक बार वन ये इसके साथ पेयर बनाएगा, एक बार इसके साथ पेयर बनाएगा, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ। तो हम लिखेंगे यहां पर वन कोमा वन कोमा वन, वन कोमा वन कोमा टू, वन कोमा टू कोमा वन, वन कोमा टू कोमा टू। इसको मिटा देते हैं यहां से। अब टू के साथ बनाएगा ये पेयर टू कोमा वन कोमा वन, टू कोमा वन कोमा टू, टू कोमा टू कोमा वन, टू कोमा टू कोमा टू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि R है वो कोई सेट है रियल नंबर का, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है R क्रॉस R का। और साथ में हमें R क्रॉस R क्रॉस R इसका, तो हमें इसमें बोला गया कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है R क्रॉस R का, और ये आर क्रॉस आर क्रॉस आर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी भी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहला एलिमेंट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट बी का होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसका ए का और ये वाला एलिमेंट बी का, तो कितने कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, टू कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आर क्रॉस आर को भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर है वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आर क्रॉस आर का, लिख देंगे ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस R इज इन टू डायमेंशन। ठीक है, इसी के तरीके से हम इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए वन कोमा बी वन कोमा सी वन, ए टू कोमा बी टू कोमा सी टू, इस तरीके से चलेगा ये। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तीन कोऑर्डिनेट, तो यानी कि इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हुए, पार्टीशियन कितने डायमेंशन में हुआ, थ्री डायमेंशन में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो टू डायमेंशन में होता है और आर क्रॉस आर क्रॉस आर वो थ्री डायमेंशन में होता है। ठीक है, ये यहाँ ये शो कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए क्रॉस बी में गिवन दे रखा है, हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं
जब एक रूल बी करते हैं तो एक रूल बी में जितने भी अफेयर्स होते हैं, मान लिया हमारे पास ए बी सी डी ये पेयर्स होते हैं, तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसका होता है, ए का, और सेकंड एलिमेंट किसका होता है, बी का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लिखना है, हम पहले लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू M, R। ठीक है, तो A क्या होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर, A क्या है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट पेयर क्या क्या है, पहला इसका P, इसका भी P है, इसका M, रिपीट हो रहे हैं तो हम A की बार ही लिखते हैं, तो A की वैल्यू क्या होगी P और M। B क्या होता है सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ पेयर, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर क्या है क्या हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेकेंड पेयर में क्या है क्या हो, सेकेंड एलिमेंट R, तो यहाँ हम R लिख देंगे, थर्ड पे क्या हुआ है फोर्थ में R, तो रिपीट नहीं करेंगे हम A की बार लिखेंगे, तो A की वैल्यू क्या होगी P और M, और B की वैल्यू क्या होगी क्या हो और R। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट है एक्सरसाइज की क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है इक्वेशन दे दी हमें, और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो हम इसको कंपेयर से कर सकते सो, तो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा एक्स अपॉन में 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 5/3, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होएगा एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5/3, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 5 माइनस का 3 यानी कि x बाय 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, तो ये हो गई x की वैल्यू। इसी तरीके से y के लिए हम कंपेयर करेंगे, y के लिए कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, इस 2/3 को इधर ले लेंगे y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा, 2 प्लस 1 कितना होता है 3 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो यहां से आंसर क्या गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमें कि हमें बोल रखा है कि कोई सेट है A जिसके एलिमेंट है 3 और कोई सेट है B जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5 गिवन है। ठीक है, हमें बताना है कि A क्रॉस B में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, यानी कि A क्रॉस B में जितने एलिमेंट है उसके नंबर बताना है, तो हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला N A यानी कि नंबर ऑफ सेट ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ सेट ऑफ B किसके बराबर आता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हमें गिवन दे रखा है, ये वैल्यू रही तो हम इसको लिख देंगे 3 क्रॉस नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट्स है 1, 2, 3 यानी कि 3, तो कितना हो गया 9,
तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो गई, 9। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, जी की वैल्यू है 7.8 और एच की वैल्यू है 5.42। ये दो हमारे क्या है, सेट है, जी और एच को हमें दो सेट गिवन दे रखे। हमें निकालना है जी क्रॉस एच और साथ में निकालना है एच क्रॉस जी। ठीक है, तो हम देखते हैं जी की वैल्यू, हम इधर लिख देते हैं जी की वैल्यू हमें 7 और 8, एच की वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं, एच की वैल्यू है हमें 5, 4 और 2। तो हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, 7 को 5 के साथ पेयर, 7 का 4 के साथ पेयर, 7 का 2 के साथ पेयर। इसी तरीके 8 का 5 के साथ पेयर, 8 का 4 के साथ पेयर, 8 का 2 के साथ पेयर। तो हम जी क्रॉस एच को कैसे लिख सकते हैं, जी क्रॉस एच इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7.5, 7.4, 7.2, 8.5, 8.4, 8.2। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, जी क्रॉस एच की। इसी तरह से हम एच क्रॉस जी कर देंगे, एच क्रॉस जी के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ हम एच लिख देंगे, एच की वैल्यू क्या है हमारी, 5.42। तो ये 5.42 एच हो गया, जी की भी लिख देंगे, जी की वैल्यू हमारी 7 और 8। एक बार ये 5, 7 के साथ पेयर बनाएगा, एक बार 4 के साथ, इसी तरह 4 और 2 के पेयर बनाएंगे। तो हम यहां लिख देते हैं एच क्रॉस जी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5.7, 5.8, 4.7, 4.8, 2.7 और 2.8। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हमें इसको ठीक करके लिखनी है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में क्या है, पी की वैल्यू दे दी हमें एम एन और क्यू की वैल्यू दे दी एन एम। तो पी क्रॉस क्यू के ये आएगा, हम क्या करते हैं पहले पी क्रॉस क्यू निकालते हैं। तो पी क्रॉस क्यू क्या होता है, पहले एम की एन के साथ प्रोडक्ट, एम का एन के साथ पेयर हो जाएगा, फिर एम का एम के साथ पेयर, एन का एन के साथ पेयर, एन का एम के साथ पेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखी है, पी क्रॉस क्या होगी, एम कोमा एन ये वाली, एन कोमा एम ये वाली, ये दो टर्म तो दे ही नहीं रखी। तो यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या बोला है कि ए और बी कोई नॉन एम्पैथी सेट है, तो हम ए क्रॉस बी करते हैं तो वो भी क्या नॉन एम्पैथी सेट आता है। तो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, एक्स कोमा वाई
हमने लेट कर लिए ए के एलिमेंट्स ए बी और बी के एलिमेंट्स हमने कर लिए वन और टू, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का वन के साथ पेयर, ए का टू के साथ पेयर, फिर बी का वन के साथ पेयर, फिर बी का टू के साथ पेयर, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहां पर क्या होगा, सो दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। जब ये पेयर बना रहा है, अगर एम्पैथी सेट होगा, एम्पैथी सेट यानी कि फाइव, ए में कोई एलिमेंट्स होंगे, ये सेट ए में तो कोई एलिमेंट्स होंगे मान लो वन और टू, और सेट बी में कोई नहीं है यानी कि ये फाइव है, एम्पैथी है, तो क्या ये पेयर बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। तो ये पेयर बना रहा था, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई है वो दोनों ही एम्पैथी नहीं है, ठीक है। यही बताना था कि हमें ए और बी कोई नॉन एम्पैथी सेट है, कि ए और बी हमें नॉन एम्पैथी सेट दे दिया, तो ए क्रॉस बी है वो भी नॉन एम्पैथी सेट आएगा, तो क्या उसमें एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, वाई बिलोंग कर रहा है बी में, यानी कि ए और बी नॉन एम्पैथी होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ए क्रॉस बी नॉन एम्पैथी सेट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए की वैल्यू दे दी वन और टू, बी की वैल्यू दे दी थ्री और फोर, हमें निकालना है ए इंटरसेक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाइव। तो बी हमें दे दिया, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्री और फोर, ठीक है, ये हमारा बी हो गया। फाइव, फाइव यानी कि एम्पैथी, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे तो ये पेयर किसके साथ बनाएगा, किसी के साथ नहीं, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बी इंटरसेक्शन फाइव की, सॉरी B हमारे पास दे दिया थ्री और फोर, ठीक है, और इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा फाइव, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी इसकी फाइव, तो इस A इंटरसेक्शन फाइव हो जाएगा। A का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फाइव के साथ, तो हमारा क्या आएगा हमेशा फाइव, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखिए, A दे दिया हमें A की तीन, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस निकालना है, तो हम पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, उससे हमें वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, माइनस वन दूसरी आएगी माइनस वन वन, ठीक है। तीसरी आएगी वन माइनस वन, फोर्थ आएगी वन वन, ठीक है। फिर इसको दोबारा हम ए से ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए क्रॉस ए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास ए क्रॉस ए क्रॉस ए, वैल्यू क्या आएगी माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस एक मिनट,
करूंगी। -1, -1, -1, -1, -1, -1 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1, -1, -1, -1, -1, -1 -1, -1, -1, -1, -1 फिर 1 की करेंगे 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए क्रॉस बी हमें गिवन दे रखा है और ए और बी निकालना है। ए क्या होता है? हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर्स। तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट हमारा? क्या है? ए, इधर भी है तो हम एक बार ही लिखेंगे। इधर बी, तो ये बी आ गया। ऐसे बी का निकालेंगे। बी क्या होता है? सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर्स। तो क्या आएगा बी की वैल्यू? सेकेंड एलिमेंट यहां पर क्या? एक्स और यहां वाई। यहां भी एक्स और वाई, तो हम एक बार लिखेंगे। ए की वैल्यू आ गई ये, अब बी की वैल्यू आ गई ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दे दिया ए बी और सी डी, ये चार सेट दिए हैं, हमें निकालना है। पहले पे बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद हम ए के साथ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसके इक्वल आना चाहिए? ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई और ए क्रॉस सी के मल्टीप्लाई का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से ए क्रॉस सी निकालेंगे, वो सबट्रैक्ट होना चाहिए बी क्रॉस डी। ठीक है, तो निकालते हैं ये वाला पहले, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है? कॉमन पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट्स यहां पर क्या है? एक भी नहीं है। 1, 2, 3, 4 है इसमें, इसमें 5, 6 है, तो एक भी पॉइंट नहीं है कॉमन, तो यानी कि 5। जब हम ए की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक रोज भी निकालेंगे। एक रोज भी निकालेंगे तो क्या आएगा? वन वन, वन टू, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये एक रोज बी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना? एक रोज सी, तो एक रोज सी इधर निकाल देते। एक रोज सी, एक रोज सी की वैल्यू क्या आएगी? 1, 5। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है?
एक भी नहीं है तो एक भी नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव। तो ये भी फाइव आया और यहाँ भी फाइव, तो दोनों टर्म क्या हो गए, इक्वल। तो ये क्या हो गया, टू हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि ए क्रॉस सी है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या आएगा, वन कोमा फाइव, वन कोमा सिक्स, टू कोमा फाइव, बी क्रॉस डी निकालेंगे। बी क्रॉस डी निकालेंगे तो डी वैल्यू क्या आएगी, वन कोमा फाइव, वन कोमा सिक्स, वन कोमा सेवन, वन कोमा एट, टू कोमा फाइव, टू कोमा सिक्स, टू कोमा सेवन, टू कोमा एट, थ्री कोमा फाइव, थ्री कोमा सिक्स, थ्री कोमा सेवन, थ्री कोमा एट, इसी तरीके से फोर का करेंगे, फोर कोमा फाइव, फोर कोमा सिक्स, फोर कोमा सेवन, फोर कोमा एट। अब देखो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसमें बी क्रॉस डी में है, वन कोमा फाइव ये रहा, वन कोमा सिक्स इधर रहा, टू कोमा फाइव ये रहा, टू कोमा सिक्स ये रहा, यानी कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस सी है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है, ये पूछा था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लेट कर लिया कि ए है वन कोमा टू है, बी सेट है हुआ थ्री कोमा फोर, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले। ए क्रॉस बी क्या आएगा, वन कोमा थ्री, वन कोमा फोर, टू कोमा थ्री, टू कोमा फोर। अब पूछा है कि हाउ मेनी सबसेट विल टेक विल ए क्रॉस बी हैव, ठीक है, तो सबसेट किसके बराबर होते हैं, सबसेट होते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के, ठीक है। यहां पर ए क्रॉस बी के नंबर कितने हैं, वन टू थ्री फोर, तो ये कितने किसके बराबर आ गया, फोर के, ठीक है। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर नंबर ऑफ दे दी थ्री, नंबर ऑफ बी दे दिए टू, और ए क्रॉस बी नहीं बता दिया हमें, हमें बताना है कि ए और बी बताओ कितने हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है थ्री इंटू में टू यानी कि सिक्स। हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, थ्री, और थ्री हमें पता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ए क्रॉस बी को, एक्स कोमा वन, वाई कोमा टू, जेड कोमा वन, ठीक है। तो ए क्या होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक्स इधर, वाई इधर, जेड, तो ये ए की वैल्यू आ गई। बी क्या होता है सेकंड एलिमेंट, तो इधर क्या है वन और
इधर टू, फिर ये वन रिपीट हो रहा है, तो एक बार ही लिखेंगे ये बी की वैल्यू आ गई। इसी से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।